वो देखो देखो। वीडियो भेज करा के फेसबुक में और में और ठीक है। मेरे पास गड्डी क्या है तुम्हारा? ये क्या माइक है? क्या बोल रहे इसमें? बोलो अब कुत्ते कितने कुत्ते हैं? 5 कुत्ते हैं। वो आपने बोला था एक दे दिया, अब तो 4 हैं ना। अच्छा 4 कुत्ते कुत्ते टोप दे बढ़िया। पीछे आ रहा है गोडेरा? नहीं यार कोई डेरा नहीं है, कहीं और पता कि ये कुत्ते ये मैंने पता है। ओ भाई तो झूठ मत बोलो, मां की कसम मारा छोटे तेरे झूठ ला रहा। क्या करना है बोलता है कुत्ती, अब बार बार झड़ गए, अब इस टाइम में क्या करना है इनका? फोटो लेके कमजोर हो गई है। हाँ तब फोटो कैसा आएगा, ठीक नहीं आएगा फोटो। और भाई रोड खराब नहीं था? चलो चलो ना हमारा दे पैसा कोट, ऐसा कि मान लो आपने चोरी कर लिया कुछ कर लिया, उसके पास हम जाके एक छिल्लू ले जाएंगे ऐसा छोटा सा, और उसके पास चढ़ा देंगे भाई इस बंदे ने हमारे को ऐसा किया, इसके घर में चाहे भाई ऐसे हाल होने चाहिए कि 2-3 दिन लाशें निकल जाए घर के, घर से 1 हफ्ते के बाद वो खुद ही जवाब दे देगा जी। फिर उनका पूरा परिवार ख़त्म कर लेगा ना वो, उसके बाद फिर खुद तेरे को घूमेगा वो, फिर हमारे को छिल्लू ले जाना पड़ता है वहाँ। तो ऐसा लगाना है क्यों यार? कोई अति को बैठ जाते हैं, मान लो कोई जादू टोना कर देते हैं, इनको कुछ कर देते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता फिर, तो गलत काम करेगा उसको दंड देना ही है। मान लो आपने चोरी कर ली हमारी, मान लो भेड़ बकरी चोर दी, मान लो 20-25 ले गए तो किसने मन मानना? चोरी एक बंदे ने की होगी उसका पूरा परिवार ही खत्म। नहीं तो परिवार को नहीं करना, फिर वो तो उस बंदे को लगाएंगे हम, जिस बंदे ने चोरी की। ऐसा भी नहीं तेरे चोरी है तेरे को लगाना है, उस देवते को बोलना कि जिसने चोरी की उसको लगाना आपने, वैसा ही लग जाएगा वहाँ पर, बोलने पर डिवाइड होता है ना वो। फिर हफ्ते बाद क्या? हफ्ते के बाद डिसीजन मिलना शुरू हो जाएगा आपको, या आपने गलत काम किया होगा तो आपको या तो मर ही जाना आपने, कुछ वहाँ पर बोलने पर होता ना, नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा कुछ, या तो डेथ हो जाएगी उसकी। इसको क्यों आपने बांधा है? ये बीमार हो गया, मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, मर जाएगा, ये तो करना पड़ेगा शाम को। नहीं कैसे मतलब क्या दिक्कत? पता नहीं इसने एक दिन ऐसे निपड़ से पिलाते थे इसको ना, वो गुस्सेबाज है बंदा, उसने पकड़ कर जोर से किया, बस उस दिन का ये हो गया उसका। अच्छा, इंजेक्शन तो दिए उसको, 3-4 इंजेक्शन दे दिए पर ठीक नहीं हो रहा है। वो धूप में था ही भाई, अब तक तो धूप में था, अभी बांधा है भाग रहा है सारा, और पर फिर गुम हो जाएगा तो फिर नहीं काटना क्या, ऐसे काट देना जिंदा ही, और हमारा वो काटेंगे ऐसी ऐसी बातें हैं। आज मर जाएगा वो तो लगवाते हैं ना जी, ऐसा है ना सर, कल तो यहाँ से निकल जाएंगे हम आगे, अगर चलेगा नहीं तो फिर किसने उठाना है उसको काट के, ऐसा होता था। ये मेरी स्कूटी है, नहीं छोड़ रही है। वो जी बहुत शरारती होते हैं साले, बस इनको निपुण से ही पिलाते हैं, इनको दो दो दिए हो ना माँ ने, ऐसी ऐसी बात है।
इसको खुला छोड़ देना तो खुला क्यों नहीं रखा? भाग जाएगा फिर पार माल के पास, फिर गुम हो जाएगा, फिर कौन टोलता रहेगा इसको? तो जबरदस्ती पिला देना दूध इसको। पीती वैसे तो माँ को पीती है ना, पर माँ के नीचे दूध कम है इसका, तो पिलाते इसको नहीं पड़ता। दूसरी माँ नहीं पिलाती इनको? नहीं, बेटी की दूसरी माँ ऐसे कभी पिलाएंगी नहीं। कुत्ते की तो चल पड़ता है? कुत्ते का भी नहीं, कोई माँ बिल्कुल नहीं लेती है, मार देती है एकदम। मैंने पीछे गद्दी से लिए थे, उन्होंने अपने खुद ही खाया। नहीं वो तो है, कई माए मानती है कई नहीं मानती भाई, कई तो एक दूसरे के बच्चे को मार देती है कुत्ती। ऐसा भी वो कांड देखा हमने, हमारे पास हुआ ऐसा। क्या हुआ था? जैसा कि मान लो एक कुत्ती बेच दिए कुत्ते, और एक दूसरी वाली के, अगर जो कुत्ती कहीं बच्चे छोड़ के भागे ही हो रहे परे, तो दूसरी कुत्ती जाती है और उसको मार देती है बच्चे को एकदम। मार देती है? मार देती है। इनमें से मारा किसी ने? नहीं, इनमें से तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी ना अभी। कुत्ता क्यों नहीं रखते आप साथ में पड़ा? और वो भाग जाते हैं साढ़े, जब एक उनको एक टाइम आता ना जब वहाँ पहाड़ों में, तो वो टाइम कुत्ती की वजह से भाग जाते, फिर आते ही नहीं साढ़े डेरे में। अच्छा। उसकी वजह से कुत्तियाँ नहीं भागती हैं। आप उसको जानते हो धनी राम को? कहाँ का धनी राम? नहीं, क्या नाम? केर सिंह। केर सिंह, हाँ हमारे साइड का। दो कुत्ते हैं? कुत्ते हैं। तो उन्होंने भी तो रखे ही है साथ में। क्या रखे हुए? कुत्ते। कुत्ते तो सबके पास रखे होते हैं, जो गद्दी होता है ना, उन्होंने तो सारे कुत्ते रखे हुए हैं। वो नहीं कुत्ते हैं, मतलब कुत्तियां नहीं, कुत्ते भी है दो। नहीं नहीं, हमारे पास भी होते हैं, उनको मशीन लगा देना तब तो नहीं भागेंगे वो कहीं भी। फिर अच्छे कुत्तों को अगर आपने मशीन लगा दी तो फिर नस्ल खराब नहीं हो जाएगी? नहीं तो बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, जब बरसात को ना जब कुत्ती होगी ना आपके डेरे में, तो पनी को 20 कुत्ता आ जाएगा साला वहाँ पर। हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल का, जो साल के एक बार होता है ना कुत्ते का निकास, नहीं तो बाके चले आते हैं सारे, तभी तो हम रखते नहीं कुत्ते। तब आप होते कहाँ हो जब इनका मेटिंग सीजन होता है? वहाँ पहाड़ों में। तो वहाँ तो आवारा कुत्ते तो पहुँचेंगे नहीं? आवारा नहीं आएंगे, गद्दियों के आएंगे भाग के, जिन्होंने कुत्ता रखा ना वो भाग के आ जाएगा। अच्छा, गद्दियों कुत्ते आएंगे, अच्छी नस्ल के कुत्ते आएंगे। आपके पास अभी इनका फादर नहीं है ना? लेकिन फादर तो नहीं। हाँ, लेकिन होगा वो गद्दी ना? गद्दी, गद्दी होगा। ऐसा तो नहीं कोई गद्दियों के कुत्ते आएंगे और काली धारों में, और आवारा कुत्ते कोई साले वहाँ आएंगे नहीं। दूर तो घर नहीं होते कहाँ, वहाँ तो कोई चीज घर को आना हो तो 3-4 दिन लगेंगे पैदल पहुंचने को, घर पहुंचने को, तो वहाँ कुत्ते कहाँ पहुंचना? भालू भूलू होता है? लाल भालू, बहुत लाल पड़ते हैं ये, क्यों नहीं? हो तो उनको वैसे ढीला होता ना, उसके तो यहाँ से पिचाके दे देते साढ़े पीछे से। लाल भालू वैसे ढीला होता ना, जैसे काला भालू होता है तो होता खराब साला। लाल थोड़ा साइज में बड़ा, लाल भालू बराबर ही होता है पर थोड़ा साइज, हाँ ठीक बोला आपने, काले भालू से थोड़ा साइज बड़ा होता है उसका, ब्राउन रंग का होता है उसको, तो चाहे डांग की मारो पीछे से आप, डरता है वो साला, पता नहीं उसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में ब्राबू। ब्राबू अब आजकल जो है तो नींद में सोया हुआ है, तो बर्फ पड़ जाएगा तो नींद में सो जाएगा 6 महीने के लिए। घास खाता है अपनी, कैसा घास खाता है, जब जो फिर गर्मी का मौसम आ जाएगा ना, जैसे चैत्र बैसाख आ गया मार्च अप्रैल, जब वो आसमानी बिजली गड़कती है तब उनकी नींद उठती है, जागती है, क्या हो गया हमारा टाइम, नहीं तो वहाँ बर्फ में कहा क्या खाना उन्होंने, यार घास ही नहीं होगा वहाँ। मीट मूट खा लेते हैं? कौन? वो बकरी मार देते हैं? क्यों नहीं मारती है ना, एक ही बार 2-3 को मार जाते हैं वो। फिर कुत्ता जाएगा पीछे से भागने, तो कुत्ते को मीट फेंकता है, कुत्ता मीट खाएगा और खुद लेता जाएगा आगे आगे, ऐसा जानवर। कुत्ते को लालच देते हैं? और कुत्ते को लालच, माल हो 600-700। इन कुत्तों की खासियत ये है, अगर जे ठीक ढंग से करे तो पूरा बफादार होगा, कोई भी पाल सकता है, कोई भी जाए। नहीं कोई नहीं है, तो हमारे से तो छोटे छोटे ले जाते हैं नीचे, ज्यादा पंजाब से ले जाते हैं लोग। ये है 22 वाला। 22 वाला ये? आओ। बाकी तीनों 20-20 वाले ना? 20। ये है 22 वाला? ये है 22 वाला। ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, तीन कलर में? तीन कलर में। कुत्ता अच्छा निकलेगा ना? कुत्ता बढ़िया निकलेगा भाई। यह 20 नाखून में ना? हाँ 20 नाखून। ये भी 20 में है ना? 20 में। ये कितने में? 20 में। ये भी 20 नाखून में है? ठीक है, ले जाना बाद में, पेमेंट हो गई। ठीक है, बाद में आना, ले जाना, किसी को दूंगा नहीं मैं।